फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इशास वर्ल्ड। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसे कि हमें पता है आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, मतलब गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो सब लोग अपने घर पे बप्पा को लाते हैं। कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई कितने दिन के लिए रखता है, सब लोग अपने घर पे बप्पा को रखते हैं। और बप्पा का फेवरेट फूड, बप्पा का फेवरेट प्रसाद उन्हें भोग ज़रूर लगाते हैं। उनका फेवरेट फूड आप सबको पता ही है, उनका फेवरेट फूड तो वैसे मोदक है। तो आज हम भी उनका फेवरेट फूड ही बनाएंगे। हम भी आज गणेश जी का फेवरेट फूड जो कि है मोदक, वो फ्रेंड्स मोदक बनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें मोदक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। बस 3 ही चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ों से हम आज बनाएंगे अपना मोदक। सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। ये घर पर बना हुआ पनीर है, हम इसे ग्रेट कर लेंगे तो ये 1 बाउल बन जाएगा। फिर हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ कोकोनट, ये 1/2 बाउल है। फिर हमें चाहिए पाउडर शुगर, ये घर पर ही पिसी हुई है, अगर आप चाहो तो बाज़ार से भी ले सकते हो। सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए फ्रेंड्स हम जो ग्रेटर लेंगे वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ब्रीक वाले से हम लेके उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। पनीर को अच्छे से ब्रीक ग्रेट कीजिए, मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारा पनीर ग्रेट होता है हम उसमें ऐड करेंगे कोकोनट, जो हमारा ग्रेट किया हुआ है कोकोनट। फ्रेंड्स कोकोनट आप एक ही बार में सारा मत डालिए, इसे आधा आधा करके डालिए। और हाँ, आधा पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, इसे अच्छे से पनीर के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कोकोनट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, जो हमने पाउडर शुगर ली है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2 to 3 tablespoon शुगर डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके देखिए फ्रेंड्स ये कैसा दिख रहा है, ये एकदम से क्लम्बर सा हो गया है। फ्रेंड्स एक बात, अब इसे ऐसे मुट्ठी में लेके देखिए और प्रेस कीजिए, ये बाइंड होना चाहिए। आपको इतना मिक्स करना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो ये बाइंड नहीं होगा। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर, ये फूड कलर है, मैंने येलो कलर का लिया हुआ है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हो आप मत ऐड कीजिए, इसे ऐसे भी बना सकते हो। अगर आप कोई और कलर ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आप कैसे करना चाहते हो। फूड कलर डालने के बाद देखिए कितना प्यारा कलर बना है, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लीजिए। बस मिक्स करना बहुत ज़रूरी। जैसे ही हमारा मिक्स हो जाएगा हम इसे इसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं यहाँ पे बादाम गिरी डाल रही हूँ, ये मैंने क्रश की हुई है। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, कोई भी चीज़ डाल सकते हो। आप चाहो तो पिस्ता डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अब इसे मैं अपने हाथ से मोदक की शेप दूंगी। इसे शेप देना बहुत इजी है मोदक की, अगर आप हाथ से नहीं देना चाहते तो फ्रेंड्स मार्केट में मड्यूल मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो इजीली। आजकल तो लोकल स्टोर पर भी आपको मड्यूल मिल जाएंगे, अदरवाइज आप ऑनलाइन कोई भी साइट से ले सकते हो, इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मैंने बाकी सभी अपने मोदक रेडी कर लिए। सो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे मोदक रेडी हैं। मोदक को थोड़ा सा मैंने और डेकोरेट कर लिया है। अब देखिए हमारे बप्पा का भोग रेडी है, गणेश जी का भोग रेडी है। तो चलिए आप सभी इसे बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।